जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ये जवान और हमारे हुस्न अफरोज बाजी भी डॉक्टर साहब को गुलाए मोहब्बत से जी नवाजेंगे। शायरा भी सुनाया, कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, दोनों मेरी जात के नाम। एक गजल मंसूब है तुझसे, एक गजल हालात के नाम। हंसता चेहरा भीगी जुल्फे, किसको किस पे दूं तरजी। एक कसीदा धूप का लिखूं, एक गजल बरसात के नाम। दोनों पहलुओं पर अच्छी नज़र रख रहे थे जनाब कलीम शादाब। मुझे तहजीब हाफी का वो शेर याद आ रहा था कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकयतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो चमन छोड़ के जा सकते हो। आइए मिली जुली शेर कहने का हुनर इमरान सानी साहब को आता है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें आपके समातों के हवाले करूँ। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि चाहतों की बस एक दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़ुबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब इमरान सानी। अस्सलामु अलैकुम, इनको अमीक दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बिला किसी तमहीद सदर साहब की इजाज़त चाहता हूँ और एक शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलायजा फरमाएं, हमारे मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी हालत को मद्देनज़र रखते हुए इस शेर को सुने कि चराग इन दिनों आंखें दिखा रहे हैं हमें, चराग इन दिनों आंखें दिखा रहे हैं हमें। क्या बात है, हमारे घर में कई आफताब होते हुए। अरे बहुत अच्छा शेर हो गया। हमारे घर में कई आफताब होते हुए, चराग इन दिनों आंखें दिखा रहे हैं हमें। हमारे घर में कई आफताब होते हुए, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दो शेर मुलायजा कीजिए कि नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है, नस्ल दर नस्ल इसी मुल्क से उल्फत की है, हमने सदियों इन्हीं जर्रों से मोहब्बत की है। जान कुर्बान वतन के लिए कर दी अपनी, जान कुर्बान वतन के लिए कर दी अपनी, इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है, इस तरह मुल्क से टीपू ने मोहब्बत की है। अभी फारूक रजा साहब जिस रदीफ में गजल पढ़ रहे थे उतर आए हैं, तो मैंने भी उसमें कहा था एक मतला दो शेर मुलायजा फरमाएं जी के अहले दिल जब से शराफत पे उतर आए हैं। मोहतरम हाजरीन, थोड़ी सी आपकी बेदारी चाहता हूँ, आपको मेरे बाद और बहुत आलमी शोहरत के हामिल शोरा को सुनना है जी, जी। आप थोड़ा सा मेरा भी साथ दे दें कि अहले दिल जब से शराफत पे उतर आए हैं, बहुत अच्छा, सर फिरे लोग शरारत पे उतर आए हैं। वाह वाह वाह, अहले दिल जब से शराफत पे उतर आए हैं, क्या कहने, सर फिरे लोग शरारत पे उतर आए हैं। और ये शेर भी मुलायजा फरमाए के मसनद शाही को पाते ही वतन में अपने, मसनद शाही को पाते ही वतन में अपने, मसनद शाही को पाते ही वतन में अपने, क्या कहने, हाकी में वक्त तिजारत पे उतर आए हैं, हाकी में वक्त तिजारत पे उतर आए हैं। और ये शेर देखिएगा कि कल तलक हमसे जो आंखें ना मिलाते थे कभी, कल तलक हमसे जो आंखें ना मिलाते थे कभी, आज वो लोग बगावत पे उतर आए हैं, आज वो लोग बगावत पे उतर आए हैं। एक मुकम्मल गजल का मतलब चंद शेर मुलायजा फरमाए, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। देखिएगा ये आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसी से मुतासिर होकर मैंने कहा था मतलब मुलायजा फरमाए। इंशा अल्लाह, करोगे हद से
ज़ियादा अगर सितम साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह, सितम करो हद से ज़ियादा अगर सितम साहब, करोगे हद से ज्यादा अगर सितम साहब, वाह वाह वाह, पड़ेगी हक में तुम्हारे जमीन कम, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, पड़ेगी हक में तुम्हारे जमीन कम साहब। और ये शेर भी बिलखुसूस समाप्त कीजिएगा, जमाना खूब है वाकिफ हमारे तेवर से, क्या कहने बाबा, जमाना खूब है वाकिफ हमारे तेवर से, शरीफ लोग हैं बुजदिल नहीं हम साहब, साहब शरीफ लोग हैं बुजदिल नहीं है हम साहब, नहीं है हम साहब। और ये शेर भी देखिएगा, अगर ये सब्र का दामन जो हमने छोड़ दिया, अगर ये सब्र का दामन जो हमने छोड़ दिया। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे आप सुनते सुनते थक गए हैं या मैं शेर नहीं सुना पा रहा हूँ, बहरहाल शेर मुलाहिजा कीजिए। अगर ये सब्र का दामन जो हमने छोड़ दिया, अगर ये सब्र का दामन, अगर ये सब्र का दामन जो हमने छोड़ दिया, जवाब ईंट का पत्थर से देंगे हम साहब, ईंट का पत्थर से देंगे हम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर सुनिएगा, हमारे जैसा तुम इंसाफ करके दिखलाओ, हमारे जैसा तुम इंसाफ करके दिखलाओ, तुम्हारी बातों में इतना अगर है दम, बहुत अच्छे, तुम्हारी बातों में इतना अगर है दम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और ये शेर भी देखिएगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेर, उम्मीद है कि आप भी इसे पसंद करेंगे। वफा की राह में कब तक चलेंगे हम तन्हा, वफा की राह में कब तक चलेंगे हम तन्हा, मैं डाइस पर भी जिम्मेदारी है, कब तक चलेंगे हम तन्हा, हमारे साथ चलो तुम भी दो कदम साहब, साहब हमारे साथ चलो तुम भी दो कदम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी तो ये गजल यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। साबिर साहब का हुक्म हुआ है, दो शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि हाँ गुमा आज परिंदों का, हाँ हाँ गुमा आज परिंदों का गलत जो ठहरा, हाँ गुमा आज परिंदों का गलत जो ठहरा, जिनको समझा था मुहाफिज वो शिकारी निकले, क्या कहने, जिनको समझा था मुहाफिज वो शिकारी निकले, और खुद की नजरों में जो सुल्तान बने बैठे हैं। ऐसे भी तवज्जो चाहता हूँ दोस्तों कि खुद की नजरों में जो सुल्तान बने बैठे हैं वो तो मीजान सखावत पे भिखारी निकले, वो तो मीजान सखावत पे भिखारी निकले। और बस ये चार मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद आपकी जहमत है तमाम के जिनके सीनों में कदूरत व जफा रखी है, जिनके सीनों में कदूरत, जिनके जिनके सीनों में कदूरत व जफा रखी है, हमने उम्मीद वफा उनसे लगा रखी है, जिनके सीनों में कदूरत व जफा रखी है, हमने उम्मीद वफा उनसे लगा रखी है, और मुल्क में हर सू सियासत ने तासुब की मेरे, मुल्क में हर सू सियासत की तासुब ने मेरे रहजनों ने क्या अजब आग लगा रखी है, रहजनों ने क्या अजब आग लगा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इमरान सानी साहब, अच्छे शेर।